एम इज आ यानु वर्तमान काल किया पद विशेषे की विनमा तिबेनमा यन अर्थे एन हंगवाई मेम पद वाक्य वलेदन आकार होनिन तेरम गन एम यदिन्ने तमागन कतागन विट फमनी आई एम एन ओल्ड मैन मम वयसक मिनिसे की आई एम अ गुड ड्राइवर मम हुंद रुद्रेक्मी देवन उदाहरणे दी अयम लेस सिंगल उच्चारण सन्हां करते इंग्लिश कथागिरी में दी भाविता करणु ये अयम यानुनि अयम सुअ ऑफ इट नाव मट दैन ए स्थिराय ईज एक वचन वर्तमान काल वाक्य लेदी पहत उदाहरण बलन सी ईज सिंग अय गायिकावकी ही ईज डॉक्टर ओह वैद्यवरेकी सीता ईज क्लेवर गर्ल सीता दक्ष गहन लमे की दैट मैन ईज हम्बल मैन अर मिनिहा निहतमान मिनिह की आई वी यू दे वेनि उक्त पद समग ईस क्रियापद यदिन्ने नत एक वचन स्वरूपे गन्ना पद समग पमनक्य दे आ बहुवचन क्रियापदे वर्तमान काल बहुवचन वल वाक्य वल दे वी आ इनसेंट पीपल अपि अहिंसक मनुष्यो वेमु यू आ अ नोटी बॉय ओब दंगकार लमेकी माई नेबर्स आ गुड मगे असल्लसियो हुंदाय दे आ वेरी बिसी ओहुनट हुंगक कार्य बहुले आई ही सी इट वेनी उक्त पद समग आय देन्ने नेत अपि देन इंग्रीसी वचन इगन गानिमु अंक 11 क्लोथ रेद्द रेदिवार्गे अंक 12 कैरी गिनेनवा उसुलनवा अंक 13 क्लोथ अंदनवा अंदिनवा अंक 14 क्लाइव नगिनवा बड़गानवा अंक 15 डिस्ट्रीब्यूट बेदाहरिनवा पतुरनवा अंक 16 ड्यूटी कटयुत युतुकम राजकार्य अंक 17 इनफ सहन तरम प्रमाणमत अंक 18 फाइन अलंकार कदिम दड़य अंक 19 फेद विहाट विहाट वलिन वसनवा अंक 20 फेंस वेट आवरण अंक 21 फ्री निदाह सोयरी अंक 22 फैसिलिटीज पहासुकम उमना उपकरण आदि अंक 23 फेमस प्रसिद्ध अंक 24 जेनरेशन परंपराव उत्पादन अंक 25 गुड्स बडबाहिरादी देपल अंक 26 हम्बल निहतमानी यटहत पहत अंक 27 हैप्पी प्रीतिमत सतुटु सेपवत अंक 28 हेल्थ सनीपे सौख्य अंक 29 इनवाइट आराधना करनवा केंदवनवा अंक 30 जंप පණිනවා උඩ දමනවා අපි මුලින්ම කුඩා කුඩා වාක්‍ය ඉගෙන ගනිමු we are going to learn small sentences in english number 1 let's see අපි බලමු number 2 i can මට පුළුවන් number 3 it was එය වුණා number 4 i began මම පටන් ගත්තා Number 5 see you nevata hamuemu Number 6 it's okay ekata kamak na eka hari Number 7 is it okay ekata kamak nadda Number 8 i came mama aawa Number 9 return to aapasu heri yanawa Number 10 i hope mam balaapuruttu wenawa එහෙමනම් අපි මේ කුඩා කුඩා වාක්‍ය තුලින් ලබන පාඩමේදී විශාල වාක්‍ය ගොඩනගමු. මේ තුලින් ඔබගේ spoken ability දියුණු වීමත්
ග්‍රමපැත්ත නිර්මාණය වීමත් වාක්මාලාව ගොඩනැගීමත් නිසා ඔබ නොදැනීම ඔබ හොඳ මට්ටමකට ගොඩනැගී තිබේවි. Thank you so much and see you again in next session as soon as possible.